एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब यार जैसे कि आपने देखा कि मैंने कैसे 7 दिनों में अपने डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सही किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है कि मैंने मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, कोई भी महंगी चीज़ अपनी आंखों के नीचे नहीं अप्लाई करी हुई है डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए। घर में जो चीज़ें होती है ना, सिर्फ नेचुरल चीज़ों के यूज से ही मैंने अपने डार्क सर्कल्स को केवल 7 दिनों में सही कर लिया है, और उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। अभी जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कहीं ना कहीं आप लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, हो रखी होगी अभी आपके चेहरे पे, किसी को थोड़ी होगी, किसी को बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। और मुझे पता है कि जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ से, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा खराब दिखते हैं। जब भी हम किसी बंदे या बंदी को देखते हैं और अगर उसको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है कि यार बड़ा ही सैड है, मतलब अपनी लाइफ से ये बड़ा ही दुखी है, कितना बीमार सा है, बहुत ही स्ट्रेस होगा, मतलब ये पूरा माइंड सेट हमारा बन गया है। क्योंकि लगता भी तो वैसे ही ना, पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ, कि मतलब बेजान दुख दर्द पीड़ा यही सब देख के आता है। और अगर आप इनको सही करना चाहते हो ना, सिंपल सी 2 चीज़ें आपने कर लेनी है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 7 दिन मैंने भी इनको फॉलो किया और अच्छे से अपने डार्क सर्कल्स को सही कर लिया। बट यहाँ पे एक और बात का ध्यान देना है आपको कि सिर्फ रेमेडी को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, प्रिकॉशंस का भी ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर सिर्फ आप रेमेडी को यूज़ करके अपने डार्क सर्कल्स को सही करने का सोच रहे, तो ऐसा नहीं होगा। एक तरफ रेमेडीज को ट्राई करते करते आप उनको सही करते रहोगे डार्क सर्कल्स को, और दूसरी तरफ गलतियां कर करके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को बढ़ाते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, आप बीच में ही रह जाओगे। इसी वजह से सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी चैनल पर नया होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है। तो जो 2 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना, सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की, और उसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 चीज़ें। हमें चाहिए पोटैटो, मतलब कि आलू, हमें चाहिए मिक्सर, थर्ड चीज़ हमें चाहिए कॉटन। करना ये होगा कि आपको लेना होगा एक आलू, आप उसको पहले अच्छी तरह से धुल लो, गंदगी बैक्टीरिया जो भी हो उस पर अच्छी तरह से निकाल दो। फिर आपको उसे नाइफ की हेल्प से पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद ज़रूर वॉश कर लेना, क्योंकि गंदगी तब भी रह जाती है छिलके की वजह से। एक बार धुल लो उसको, अभी क्या करना है, अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है बस, आपको जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक छन्नी की हेल्प से या फिर कॉटन के कपड़े की हेल्प से आपको क्या करना है, इसी पोटैटो का जूस एक अलग बाउल में निकाल लेना है, एक क्लीन बाउल में। जैसे आप बाउल में जूस निकाल लोगे ना, अभी आपको क्या करना होगा, लेनी होगी आपकी थोड़ी सी कॉटन, 2 कॉटन आपको अलग अलग लेनी है, क्योंकि दोनों आँखों पर हमको अप्लाई करना होगा ना। कॉटन लेके आप क्या करो, इसी बाउल में डिप कर दो, सोक करने के लिए रख देना है आपको इसे फ्रिज में लगभग 30 मिनट के लिए। अभी आपको क्या करना है, यही बाउल फ्रिज से निकालना है, ये जो कॉटन में सोक हो गया है पूरा पोटैटो जूस, आपको क्या करना है, इसे ही आपकी आँख पे लगाना है। बट ऐसे नहीं कि बस लगा लिया और हो गया, नहीं, पूरा प्रोसेस देखो समझो। आपको क्या करना है, कॉटन लेनी है, आपके आँख में रखना है और धीरे धीरे प्रेस करना है। और ये नहीं कि सिर्फ आप अंडर के एरिया में ही अप्लाई कर रहे हो, जब हमको डार्क सर्कल्स होते हैं तो ये जो पूरी आँख का एरिया होता है ना, ये पूरा ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। तो पूरी जो भी ब्लैकनेस है ना, उसको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। अभी देखो, फ्रिज में रखने का मतलब मेरा सिंपल सा ये था, बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि ये क्या आंचल फालतू का काम करा रही हो, ऐसे भी तो हम लगा सकते थे ना फ्रिज में रखने, इससे क्या फ़ायदा हो गया। देखो, फ़ायदा ये होगा कि फ्रिज में जब हम इस पोटैटो जूस को रखेंगे ना, तो उसकी वजह से वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडी चीज़ जब हम हमारी आँख पे लगाएंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पफिनेस की प्रॉब्लम होगी ना, वो कम हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आँखों के नीचे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, तो उसकी वजह से भी हमको डार्क सर्कल्स लगने लगते हैं, और आँखों का जो नीचे वाला एरिया होता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो उस चीज़ में आपको हेल्प मिल जाएगी, और जो पोटैटो जूस के बेनिफिट्स होंगे ब्लैकनेस को कम करने के लिए, वो तो आपके डार्क सर्कल्स को अच्छी तरह से सही कर ही देंगे, क्योंकि इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये ब्लैकनेस को अच्छी तरह से खत्म कर देगा। आपको क्या करना होगा, लगभग 5-6 मिनट के लिए कॉटन को अपनी आँख पे ही रखना होगा, अच्छी तरह से प्रेस करना होगा, जिससे कि जूस उसका आपकी आँख पे लग जाए और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद में आप क्या करो, कॉटन को साइड में रख दो, पूरी अच्छी तरह से अपनी आँख पे मसाज कर लो। इसके बाद में आपको आपकी आँख को धुलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अजीब सा नहीं लगता, हैवी फील नहीं होता, ना ही दिखता है कि हमने कुछ अप्लाई किया हुआ है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपको आपके चेहरे को धुलने की जरूरत है, तो धुल भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये मत सोचना कि इसे 1 या फिर 2 दिन के गैप पे हम फॉलो करेंगे, इसे डेली फॉलो करोगे तभी आपको 7 दिन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहली चीज़ ये हो गई जिसे आपको दिन में कभी भी लगा लेना है आपकी आंखों पे। सेकेंड चीज़, मैं रात में फॉलो करती हूँ अपने डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए। इसके लिए भी मैं सिंपली 3 चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, आमंड ऑयल। आपको 1 से 2 चम्मच आमंड ऑयल एक बाउल में निकालना है। देखो, इसको मैं बना के ही रख लेती हूँ, बना के एक कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ।
हफ्ता 7-8 दिन मतलब आराम से ये चल जाता है, तो मतलब रोल्स बनाने का झंझट ही रहता है। क्या करना है, थोड़ा सा आमंड ऑयल बाउल में लेना है, उसके बाद में मैं इसमें ऐड करती हूँ एलोवेरा जेल। अभी आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो और प्लांट वाला भी, बट इस टाइम पे मेरे घर पे प्लांट वाला एलोवेरा नहीं है, इसी वजह से मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। आपको क्या करना है, एक चम्मच लेना है एलोवेरा जेल, इसी बाउल में ऐड करना है। एंड इसके बाद में थर्ड इन्ग्रीडियंट, हम इसमें विटामिन ई का ऑयल ऐड करेंगे। 2 कैप्सूल आपको लेने हैं, उसका ऑयल जो है आपको इसी बाउल में अच्छी तरह से डाल लेना है। फिर स्पून की हेल्प से इन तीनों चीज़ों को बस बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और ये हमारी नाइट क्रीम बन सके, अंडर आई क्रीम बन सके। जैसे आप मिक्स कर लोगे ना, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, हमारी नाइट क्रीम बन गई है। अभी आपको एक क्लीन बाउल या फिर कंटेनर लेना है और उसी में इस नाइट क्रीम को भर देना है, और उसके बाद में इसको बंद करके आप बढ़िया फ्रिज में रख दो। डेली रात में सोने से पहले चेहरे को धुल के आपको क्या करना है, थोड़ी सी यही आई क्रीम लेनी है, अपनी अंडर आई एरिया में अप्लाई करनी है और अच्छी तरह से मसाज करना है। आँखों के नीचे भी लगा लेना, आँखों के ऊपर साइड पर भी, आईलिड पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। लगा के बस आपको थोड़ी देर के लिए मसाज करना होगा, आपके रिंग फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से बस आपको अच्छी तरह से मसाज करना होगा, जिससे कि आंखों के आसपास का जो एरिया है वहां पे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो, और उससे भी हमको हेल्प मिल जाती है जो अंडर आई एरिया की ब्लैकनेस होती है उसको खत्म करने में। बस 2-3 मिनट के लिए मसाज करें, उसके बाद में बस आप आराम से सो जाओ। तो इन दोनों रेमेडी को आप हफ्ते भर तक फॉलो करके देख लो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सिर्फ रेमेडी से कुछ नहीं होने वाला है, इसी वजह से आपको प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। प्रिकॉशंस में सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होगी, आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना होगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम सनस्क्रीन आंखों के नीचे अप्लाई नहीं करते, इस वजह से वहाँ पे ब्लैकनेस ज़्यादा हो जाती है। अभी यहाँ पे ब्लैकनेस इसलिए इतनी ज़्यादा दिखने लगती है इतनी जल्दी, क्योंकि जो अंडर आई एरिया की स्किन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब थिन होती है, डेलिकेट होती है, तो वो ड्राई और डैमेज जल्दी हो जाती है। इसी वजह से सूरज की रोशनी से बचाने के लिए हमारी आंखों के नीचे की स्किन को हमें प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए घर से बाहर निकलने के पहले। घर से बाहर निकलने के पहले 10-15 मिनट पहले आप क्या करते हो, अपने चेहरे पे सनस्क्रीन तो अप्लाई करते ही हो, है ना, फेस पे एक बार सनस्क्रीन लगा लो आप अच्छे से। उसके बाद में एक्स्ट्रा आपको थोड़ी सी सनस्क्रीन लेनी है, अपनी अंडर आई एरिया पे अप्लाई करना है, देन अच्छी तरह से मसाज कर लेना है, जिससे कि आप उसको और भी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाओ, जिससे कि सूरज की यूवी रेस की वजह से आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और अगर है तो वो बढ़े ना। पहली चीज़ आपको इसका ख्याल रखना है, और इस चीज़ को कभी भी स्किप नहीं करना है, धूप हो या ना हो इसको ज़रूर अप्लाई करो, क्योंकि आदत बनानी है आपको। सेकंड चीज़, आप सनग्लासेस का यूज़ करो, चश्मा आप बोल सकते हो, सनग्लासेस मतलब जो भी आप बोलना चाहो, आपको क्या करना है वो लगा के निकलना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको सनस्क्रीन वाली चीज़ में बताई कि यूवी रेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है हमारे स्किन के लिए, हमारे डार्क सर्कल्स को, ब्लैकनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है, और अगर आप चश्मा लगा लोगे तो आपकी आँखें जो रहेंगी वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, तो वो प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी नहीं, तो इस चीज़ की आप आदत बना लो। अभी नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मुझे पता है वो इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, बट उसका भी मेरे पास एक जुगाड़ है। देखो क्या है, अभी मैं अगर आपसे बोल दूँ कि कल से फ़ोन वोन यूज़ मत करना भाई, क्योंकि डार्क सर्कल्स इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप गैजेट्स का यूज़ करते हो, फ़ोन, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर, तो उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है डार्क सर्कल्स। बट मेरे अभी ऐसा बताने से मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आप लोग सोचे अरे आंचल ने बताया कल से नहीं, आज से ही सारा मोबाइल यूज़ करना बंद, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बट इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़, ये एक्चुअली साइंटिफिक रीज़न है और ये बहुत ज़्यादा सही है, कि आपको क्या करना है, जब भी फ़ोन यूज़ करना है तो आपको लाइट में यूज़ करना है, या फिर अगर आप जगने वाले हो 1 बजे तक 2 बजे तक, तो आप मेक श्योर करो कि लाइट ऑफ ना करो, क्योंकि अगर आप लाइट ऑफ करके फ़ोन यूज़ करोगे तो आंखों पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, और मैंने ऐसा पढ़ा भी था और शायद कई हद तक ये चीज़ सही भी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों पर मैंने ध्यान दिए तो डार्क सर्कल्स सही हुए। क्या है कि किसी ने बताया था, मैंने कहीं ब्लॉग पढ़ा था, कि किसी ने बोला था कि स्लीप पोजीशन की वजह से भी हमको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जैसे कि टेढ़ा होके लेटना या फिर पेट के बल लेटना। अब मैं ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊँगी, कुछ फ्लूड होता है उसकी वजह से आँखों के नीचे, बहुत सारी चीज़ें, तो क्या होता है कि उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। हम सबके साथ में ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को आदत होती है पूरा टेढ़ा मेढ़ा होके सोने की, बट अगर आप चाहते हो आपकी स्किन अच्छी रहे, डार्क सर्कल्स ना हो, तो इस चीज़ को ट्राई करके देख लो, कहीं ना कहीं काम करती है। आपको स्ट्रेट सीधा होके सोना है, पेट के बल या फिर टेढ़ा होके नहीं सोना है, तो अगर आप ये सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपको डार्क सर्कल्स की जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जो मैंने रेमेडी बताई है उसको भी ट्राई करके देखो। मेरा ये सिंपल सा स्वीट सा वीडियो था डार्क सर्कल्स के लिए, आई होप आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर कोई भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यही पे एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।